जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर का कहना है कि अगर हुकूमत पंचायती इंतखाबात का ऐलान कर सकती है तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए। उन्होंने ये बात आज श्रीनगर में पंचायत इंतखाबात से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कही। जब उनसे रिजर्वेशन तरमीमी बिल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के MP इस पर बात करेंगे। NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी दफ्तर में मीटिंग की लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। पंचायत इलेक्शन ड्यू है अक्टूबर नवंबर में, वो तो ड्यू है अक्टूबर नवंबर में। ये तो असेंबली इलेक्शन तो 2018 से ड्यू है, बल्कि हमारा सवाल ये है कि उसके बाद इलेक्शन हो गए हैं यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन होगा 2019 में, उसके बाद DDC इलेक्शन हो गए। अगर उसके लिए कंजीनियल एटमॉस्फेयर यहाँ पर था इलेक्शन करने का, असेंबली के लिए क्यों नहीं? जिन लोगों ने पार्लियामेंट के लिए वोट डाला वो असेंबली के लिए भी डाल सकती थी, जिन्होंने DDC के लिए वोट डाला वो वोटर्स हैं असेंबली इलेक्शन के, तो क्यों नहीं हुआ? ये बात आप समझ में नहीं आती वाले कि अभी तो बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में, है ना? ये बिल जो है पार्लियामेंट में, इसका प्रोसीजर यही होता है, पहले पार्लियामेंट में उन्होंने उनको इंट्रोडक्शन के लिए इजाज़त दी होगी, इंट्रोड्यूस हो गया, इट इज़ नॉट बीन पास्ड येट। ये बिल आया वहाँ पे, वहाँ पर इस पर बाजात डिस्कशन होगी। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेम्बर्स डिस्कस करेंगे बल्कि पार्लियामेंट के जितने भी मेम्बर्स वहाँ पर हैं वो इसको डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हमारा क्या स्टैंड रहेगा, हम बैठेंगे अपने पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ, हमारी लीडरशिप बैठेगी और जो फाइनल हमारी राय बनेगी वो हम उनको कन्वे करेंगे और वो पार्लियामेंट में उसके लिए बात करेंगे। अभिमत आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तमिलनाडु के उत्तरा मेरूर में मिले शिलालेखों से लेकर वैशाली तक भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सदियों से हमारा गौरव रही है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद, इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, आज पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है और वैश्विक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और समिट्स की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। ऐसे कार्यक्रम कभी एक देश में तो कभी दूसरे देश में होते हैं।